ईगल के खूंखार हमले कैमरे में हुए कैद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बर्ड्स की मलिका किसे कहा जाता है? कैसे ये दूसरी बर्ड से ज्यादा खूंखार है? आखिर ये कैसे अपने शिकार को अपना निवाला बनाती है और उन्हें इस दुनिया से रवाना कर देती है? इनका शिकार कौन बनता है? इसके पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से हर कोई इसी का होकर रह जाता है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए फिर आज हम आपको बताते हैं। इस आसमान की मलिका का नाम है ईगल। नाम तो पहले ही सुना होगा। ये बर्ड अपनी तेज नजर और दमदार पकड़ से किसी को भी अपना निवाला बना लेती है। नंबर 1, ऑक्टोपस। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऑक्टोपस का हमला। यहाँ फिशरमैन ने देखा कि एक ऑक्टोपस जो कि काफी बड़ा है, उसे अपने पंजे में एक ईगल को मजबूती से दबोच रखा है और इस ईगल की बाहों में अपनी आखिरी सांसें ले रही है। लेकिन ईगल इतनी जल्दी कहां इस दुनिया से जाने वाली थी। अगले ही पल देखा गया कि ईगल ऑक्टोपस के चंगुल से छूटकर एक पेड़ की डाली पर बैठी है और ऑक्टोपस अकेले पानी में तैर रहा है। वाकई ईगल तो मौत को भी चकमा दे सकती है। नंबर 2, वॉरथॉग। वॉरथॉग जंगली सुअर की प्रजाति के सबसे दमदार पिग माने जाते हैं, क्योंकि ये अपने दमदार हमलों से किसी भी खूंखार शिकारी के वार से बच निकलते हैं और इनकी रफ्तार भी काफी तेज होती है। ये वॉरथॉग की फैमिली जंगल में अपने खाने पीने का इंतजाम करने के लिए आई है। साथ ही इसके दो छोटे बच्चे भी इसी के पीछे चलते हैं। लेकिन वॉरथॉग मम्मी इनसे अलग हो जाती है और खाने की तलाश में निकल जाती है। इधर एक बेबी वॉरथॉग सड़क से जैसे ही पार होता है, वैसे ही ईगल इस पर झपट्टा मार देती है और बड़ी बेरहमी से इसे अपने पंजों में दबोच कर घसीट कर अपने साथ ले जाती है। नंबर 3, लायन। अब मुकाबला होने वाला है दो खतरनाक शिकारियों के बीच। एक तरफ है जंगल का राजा शेर और दूसरी तरफ है आसमान की मलिका ईगल। यहाँ जंगल में शेर का परिवार बड़े ही आराम से बैठा था। यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन ईगल ने जैसे ही इनको देखा वैसे ही इन्हें अपना निशाना बना लिया और पेड़ पर इन पर ताक लगाए बैठी रही। थोड़ी ही देर में ये परिवार बारिश में गिर गया, लेकिन फिर भी ईगल ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और शांति से बैठी रही। लेकिन जब शेर का छोटू बेबी अपने झुंड से अलग हो गया तो ये ईगल उसे दबोचने के लिए आ गई, लेकिन ये भी शेर का बच्चा था, ऐसे कैसे इसके कब्जे में आ जाता। इसलिए ये बेबी भी इस ईगल के साथ खूब मुकाबला करता है और इसके सामने डटकर खड़ा रहता है और थोड़ी देर में ही बहुत से बच्चे मिलकर इस ईगल को घेर लेते हैं और आखिर में ईगल ही शेरनी के झुंड का खाना बन जाती है और ये सब इसे दबोच लेते हैं। ईगल के घातक हमले देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। नंबर 4, फॉक्स। ईगल के सामने कितनी ही खूंखार खिलाड़ी क्यों ना आ जाए, लेकिन ये उसे अपना निवाला बना ही लेती है। ये अपने शिकार को कभी भी झुंड में नहीं पकड़ती, बल्कि जैसे उसे अकेला देखती है तुरंत उस पर झपट्टा मार देती है। यहाँ देखिए कैसे दो ईगल इस अकेली लोमड़ी को निपटाने में लगी पड़ी हैं और यहाँ ईगल हवा में उड़ते उड़ते ही लोमड़ी पर निशाना लगा लेती है और बिना नीचे उतरे ही इस पर हमला कर देती है, जिसके बाद ये लोमड़ी घसीटती हुई नीचे आ जाती है और फिर इसे ये दबोच लेती है। यहाँ ईगल और लोमड़ी के बीच घमासान युद्ध हो रहा है, क्योंकि लोमड़ी इसका शिकार बनना नहीं चाहती और ईगल इसे छोड़ना नहीं चाहती। ये लोमड़ी ईगल पर अपने दांत गड़ाने की पूरी पूरी कोशिश करती है, लेकिन ईगल इसके साथ हाथ नहीं आती और इस पर खूब जमकर वार करती है और आखिर में ईगल लोमड़ी को अपने पंजों में दबोच ही लेती है। नंबर 5, डॉग। ईगल ना तो लोमड़ी को जिंदा बख्शती है और ना ही मासूम डॉगी को। यहाँ डॉगी अपने बच्चों के साथ बैठी थी, लेकिन तभी यहाँ ईगल आकर हमला करती है और डॉग मम्मी अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद इसका निशाना बन जाती है और ईगल इस मासूम डॉग पर ही अपनी ताकत दिखाना शुरू कर देती है। यहाँ ईगल एक डॉग का पीछा कर रही है ताकि ये उस पर अपना निशाना लगा सके। कभी कभी ये ईगल डॉग पर हमला उसे अपना निवाला बनाने के लिए नहीं करती, बल्कि उसे परेशान करने के लिए भी करती है और जहाँ कहीं भी डॉग को घूमता हुआ देखती है वहीं इस पर पकड़ बनाने चली आती है। लेकिन जब भी डॉग ईगल को अपनी तरफ आता हुआ देखता है वैसे ही यहाँ से फरार होने लगता है। नंबर 6, स्नेक। ईगल बर्ड्स की दुनिया की सबसे खतरनाक बर्ड्स मानी जाती है, क्योंकि जहाँ दूसरी बर्ड सांप को देखकर पीछे हट जाती है वहीं ये सांप को दबोचने का दम रखती है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसे एक दर्दनाक मौत भी देती है। यहाँ ईगल ने सांप को अपने पंजे में पकड़ लिया है और देखिए ये सांप भी बड़ी शांति से इसके सामने पड़ा है।
ऐसे ही ये बहुत से सांपों पर अपनी पकड़ बनाती है। यहाँ इस ईगल का सामना एक जहरीले व्हाइट सांप से होता है, जिसे देखकर ईगल भी घबरा जाती है और अपने पैर पीछे लेने में ही फायदा समझती है। यहाँ सांप ने ही ईगल को अपना निशाना बना लिया है और देखिए कैसे जानलेवा अंदाज में सांप को जकड़ने में लगा पड़ा है। नंबर 7, शार्क। आज तो भाई ईगल ने एक बड़े ही खतरनाक शिकार शार्क को अपना निवाला बनाया है। ये शार्क पानी की लहर के साथ बाहर चली आती है और पानी की कमी की वजह से वहीं पर फड़फड़ाती रहती है। यदि एक ईगल भी मौके का पूरा फायदा उठाती है और उसके पास पहुंच जाती है। यह ईगल पानी के किनारे ही नहीं बल्कि गहरे समंदर से भी इसे धर दबोच लेती है। यहाँ पानी के किनारे शार्क अपनी जान दे देती है और ईगल को अपना टेस्टी लंच मिल गया है। इसे देख कर दूसरी ईगल भी यहाँ आ जाती है और शार्क जैसे टेस्टी खाने का लुफ्त उठाने लगती है। इस ईगल की पकड़ और नजर दोनों ही कमाल की होती है। ये शार्क को अपने पंजों में दबोच कर मस्त गगन में भी ले जाती है और फिर मजे से अपने घर जाकर इसका स्वाद चखती है। आगे ऐसे ही और खतरनाक हमले देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए। नंबर 8, बियर। इस ईगल के सामने चाहे कोई छोटा शिकार हो या फिर बड़ा, ये किसी पर भी हाथ मारने से नहीं चूकती। यहाँ ईगल का निशाना बनने वाला है भालू। भालू तो भाई जंगल का सबसे आलसी जानवर माना जाता है। इसके पास सोने और खाने के अलावा और कोई काम नहीं रहता। यहाँ ईगल ने भालू से पंगा लेने की ठान ली है, इसलिए इसके इर्द गिर्द घूमती है और जैसे ही भालू का ध्यान इस पर नहीं होता वैसे ही भालू को एक झपट्टा मार देती है और भालू इस जालिम हसीना से कुछ भी नहीं कह पाता और बस शांति से यहाँ खड़ा रहता है। ईगल ने भालू पर हमला तो कर दिया लेकिन इसे अपने पंजे में दबोचना इसके बस की बात नहीं थी, इसलिए यह भालू को अपने साथ ले जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। नंबर 9, कंगारू। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कंगारू की, जो आज ईगल का निशाना बन बैठा है। ये कंगारू भी जंगल की दुनिया का सबसे अलग शिकार है, जिनकी हरकतें काफी हद तक हम इंसानों से मिलती जुलती हैं। जैसे जब इनके बीच लड़ाई होती है तो ये खड़े होकर अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हैं। कंगारू की किक दुनिया की सबसे खतरनाक और पावरफुल किक मानी जाती है। जब भी कंगारू लड़ते हैं तो ये अपना मुंह हमेशा पीछे करके रखते हैं ताकि दुश्मन इनके मुंह का नक्शा ना बिगाड़ दें, और बड़े मजे से उछल उछल कर एक दूसरे पर लात मारते हैं। यहाँ ईगल ने कंगारू पर नजर गड़ा रखी है। इससे पहले यह कंगारू अपने पंजे जमाती, ये कंगारू इसको देखकर वहां से भागने लगता है और फिर इसके हाथ नहीं आता। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा शिकार सबसे मासूम लगा और किसके हमले देखकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके। दोस्तों आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत फनी वीडियो बनी है।